हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ कोकम शरबत। आप आसानी से घर पे कोकम शरबत कैसे बना सकते हैं, आपको मार्केट से रेडीमेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाउल में मैंने लिया हुआ है कोकम, ये आप देख रहे हैं इस तरह का कोकम होता है और ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 100 ग्राम लिया हुआ है। अब हम इसमें हल्का गर्म पानी ऐड करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं। अब हमें लेना है ग्राइंडर जार और इसमें अब हम इसे ऐड कर देंगे, इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अब मैं इसे छान लूंगी। तो मैंने कोकम को अच्छे से छान लिया है और इसका रस देखिए इस तरह से निकल जाएगा। तो जितना और बचा है उसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। और ये जो कोकम बचा हुआ है इसे आप फेंकेंगे नहीं, मैं इसके आपको बहुत ही टेस्टी सी चटनी बना के दिखाऊंगी, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। और आप इसे कढ़ी में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, सांभर में डाल सकते हैं, तो इसलिए इसे भी बचा के फ्रिज में रख सकते हैं आप। तो चलिए और हम आगे का प्रोसेस कर लें। तो अब हमें आगे का प्रोसेस करना है। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप शक्कर और उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। शक्कर को घुलने तक हम इसमें पका लेंगे। शक्कर घुलने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है कोकम का रस जो हमने निकाला था। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है नमक, काला नमक और सादा नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी नींबू सर्द और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पका लूँगी अच्छे से। 10 मिनट हो गए हैं और मिक्सचर अब हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दूँगी। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख रहे हैं इसका नेचुरल कलर ही कितना ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब आप इसे घर में पकाते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी है इसे बनाना। और ये गाढ़ा हो चुका है, इसे एक बॉटल में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे और जब भी आपको पीना हो तो आप इसे सर्व कर सकते हैं बर्फ़ और ठंडे पानी के साथ। तो अब मैं इसे एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए ये बनके तैयार है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो हम लेंगे एक ग्लास। अब हमें इसमें आइस क्यूब ऐड करना है। 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें कोकम शरबत को ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। तो लीजिए होममेड कोकम शरबत बनके तैयार है जो पीने में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों के दिनों में इसका सेवन ज़्यादा किया जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, होममेड कोकम शरबत बनाएं और जब मन चाहा तब इसे पी लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।